9 न्यूज़ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के बेहद स्पेशल प्रोग्राम में। मैं तृप्ति आपको बता दूं, आज इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूं कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और तो और साथ साथ में पूरे देश की जनता की जीत की जो बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया है, विकास की जीत बताया है, जी हाँ एकता की जीत बताया है। उनके 10 बड़े संकल्प सामने आने के बाद इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का जब शपथ ग्रहण करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वो सांसद आएंगे सामने जो लोकसभा के लिए एक बार फिर से जिम्मेदारी उठाएंगे। और किसे मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी, इस पर है सबकी टिकी निगाह। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उन 6 मुस्लिम सांसदों को लेकर हम करेंगे बात, जो कि हिंदू के नेताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत होने के बावजूद, बीजेपी के विपक्ष में खड़े रहने के बावजूद लोकसभा की अपने मंजिल को तय कर चुके हैं। जी हाँ, लोकसभा में इस बार 17वीं लोकसभा में 6 मुस्लिम सांसद पहुंच चुके हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं, एनडीए के साथ नहीं, बल्कि विपक्ष गठबंधन के साथ। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो, लेकिन जो 6 मुस्लिम सांसद अब तक 542 सीटों में से 6 मुस्लिम सांसदों को जो सीट में जीत मिली है, वो सिर्फ 6 ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्हें लोकसभा में आने का मौका मिला। ऐसे में सवाल या निशान ये भी है, क्या वाकई में उन 6 मुस्लिम सांसदों को लोकसभा में बड़े पद से नवाजा जाएगा, क्योंकि वो एनडीए नहीं बल्कि सपा बसपा के गठबंधन से अन्य से बिलोंग करते हैं। आखिर कौन है वो 6 मुस्लिम नेता जिन्होंने बहुमत वाली पार्टी के सामने भी अपनी जीत अपने पक्ष में कर मुस्लिम जनताओं के बीच अपनी जगह बनाकर पूरे देश भर की जिसकी निगाहें थी लोकसभा चुनाव में वहां अपनी जगह बना ली है, 17वीं लोकसभा के लिए अपनी मंजिल को पाने में खुद को आगे रखा है। जी हाँ, हम आपको इस बारे में बताएंगे, जिसने पहला नाम हर किसी की जुबान पर है और वो नाम है रामपुर से गठबंधन के उम्मीदवार रहे, गठबंधन के बड़े नेता कहे जाने वाले, सपा से बिलोंग करने वाले आजम खान का। आजम खान का नाम तो सब जानते हैं, जिन्होंने हमेशा विवादों में अपने बयानों को रखकर हमेशा ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की है जिसकी वजह से सवाल उनके विवादित बयानों पर उठा है। लेकिन फिर भी इस बार भारी पड़ी आजम खान की भीड़, भारी पड़ी आजम खान के लिए मोहब्बत रामपुर में जनता के बीच, जो कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ भारी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन आजम खान के अलावा 5 जो वो मुस्लिम सांसद है जिन्हें लोकसभा में शामिल होने का मौका मिल गया है, जिन्होंने कामयाबी दर्ज कर ली है बीजेपी के खिलाफ होकर भी लोकसभा में उन्हें कड़ी टक्कर देकर देश की जनता की सेवा करने का, बात अगर उन नेताओं की करें, उन मुस्लिम सांसदों की करें, तो हम आपके बीच लेकर आए हैं उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन, उनके नाम हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है वो 5 मुस्लिम नेता जो कि आजम खान के अलावा लोकसभा तक की अपनी मंजिल को तय कर चुके हैं। पहले हम आपको बताना चाहेंगे बसपा से 3 और सपा से 3 मुस्लिम सांसद हैं। पहले हैं आजम खान की तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो 2 सांसद सपा की और भी हैं और 3 बसपा के वो सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा साल 2019 में भारी जीत हासिल की है। तो पहले आपको बता दें वो है अमरोहा, जो कि अमरोहा से बसपा के कुंवर दानिश अली, तो वहीं दूसरे हैं गाजीपुर से अफजाल अंसारी, जिनकी जीतने की उम्मीद पहले से ही थी। जी हाँ, अफजाल अंसारी की बड़ी जीत हुई है गाजीपुर से। तो वहीं आपको बता दें सहारनपुर से भी हाजी फर्जुल रहमान होंगे, जो कि लोकसभा में इस बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं, लेकिन ये सब शपथ ग्रहण के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल हम आपको बता दें इन 3 के अलावा अगर सपा सांसदों की बात करें जिन्होंने जीत हासिल कर ली है, तो उनमें रामपुर से मोहम्मद आजम खान है, ये तो आप जानते हैं। उनके अलावा मुरादाबाद से डॉक्टर HT हसन को भारी जीत मिली और तो और संभल से डॉक्टर शफीर कुर्रहमान बर्क भी शामिल है, जो कि मुस्लिम सांसदों में बड़ी जीत हासिल करने वाले पूरे देश भर के 6 मुस्लिम नेताओं में शामिल है। यानी कि 542 सीटें, जिसमें 300 से भी ज्यादा इकलौते बीजेपी ने भारी बहुमत अपने नाम की, तो वहीं एनडीए की तरफ से 350 से भी ज्यादा सीटें एनडीए को रुझान में मिले। लेकिन
बाकी जो गठबंधन को मिले उसमें मुस्लिम नेताओं का भी बड़ा हाथ रहा, कहना गलत नहीं होगा कि गठबंधन की तरफ से मुस्लिम नेताओं ने अपनी तरफ से बड़ा योगदान दिया है और इस बार भी मुस्लिम नेताओं को कड़ी टक्कर देते देखा जा रहा है। तो देखना होगा लोकसभा चुनाव के लिए जो नतीजे सामने आए उसके बाद सांसद में, जी हाँ सांसद जो पहुंचे हैं यहाँ तक, तो 16वें साल 2017 की अगर बात करें तो साल 2017 में भी कई चुनाव हुए, लेकिन अगर बात करें 16वें लोकसभा की तो उसको लेकर भी तमाम सवाल उठे थे। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे साल 2016 की बात अगर कर रहे हैं तो उस वक्त असेंबली इलेक्शन को लेकर भी तमाम सवाल हुए, लेकिन 16वें लोकसभा की अगर बात करें, इससे पहले की साल 2014 की बात करें तो वहाँ उत्तर प्रदेश से मुस्लिम नुमाइंदी का सूखा खत्म करने वाली कैराना सीट से उपचुनाव जीतने वाली तबस्सुम हसन ने इस वक्त चुनाव भले ना जीता हो लेकिन उपचुनाव उन्होंने जीता था, जिसके बाद उम्मीदें थी कि वो इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनेंगी, लेकिन अफसोस बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिमों को एकजुट होने को लेकर जो विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद उनका पत्ता कट गया और वो इस लिस्ट से बाहर हो गई। हालांकि 6 मुस्लिम नेता जो हैं, 6 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं वो संसद में शामिल होने के लिए तैयार है। देखना होगा अब काफी ज्यादा किस तरह से मोदी के अंदर, जी हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर काम करने वाले, मोदी सरकार के अंदर काम करने वाले नेताओं के बीच इन 6 मुस्लिम नेताओं को जनता के लिए बड़ा योगदान करते हुए किस तरह से बड़े जिम्मेदारियां मिलती है, इसके लिए करना पड़ेगा शपथ ग्रहण तक का इंतजार, उन नामों का इंतजार, उन जिम्मेदारियों का इंतजार, उन पदों का इंतजार। फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं यहीं पर इजाजत, लौटेंगे जल्द आज के बीच SPN9 न्यूज के नेक्स्ट कार्यक्रम के साथ, नेक्स्ट शो के साथ, नई अपडेट के साथ। तो देखते रहे हमारा चैनल और हर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।